और ये फोर लाइन वाले रास्ते में कंटिन्यू चल ही रहे, तो इधर और भी से पहले पहले तो यहाँ पर गाड़ी को खड़ा कर दिए और देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का खाना बन रहा है जो कि चावल बन रहा है दोस्तों, और ये चला जीरा और ये चाट तो खड़ा भी कर लिया बढ़िया से। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं और सफर अपना तय करते हैं भाई, यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तुम्हारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम लोग अररिया पार करके भाई खड़े हैं, जो कि ये वाला रोड अपना सीधा सीधा जाता है सिल्लीगुड़ी की ओर, जो कि देख सकते हो ये वाला रास्ता भी बन चुका है और बढ़िया से मस्त यहाँ पर खड़े हैं हम लोग ओवर ब्रिज के ऊपर में गाड़ी को लगा के। तो अररिया तो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे हम लोग पहुंच चुके थे, वहां से फिर मारे क्या कहते हैं लेफ्ट साइड, उसके बाद सीधा अभी चल रहे हैं। यहाँ से बॉर्डर ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, 150 किलोमीटर होगा ऐसे ही मैक्सिमम, मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं। किशनगंज तो उधर छूट जाता है, वो अलग ही छूट जाता है। और बाकी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी को खड़ा करके रखे हुए हैं, कितना बढ़िया जगह है, पूरा नदी है यहाँ पर छोटा सा, ये देख सकते हो बढ़िया यहाँ पर जगह मस्त सा है, हरा भरा जगह है बढ़िया सा। तो अभी यहाँ से हम लोगों का सफ़र बचा हुआ है, करीबन 500 किलोमीटर का और सफ़र बचा हुआ है। तो आज हम लोग क्या कहते हैं भाई, देखो बाईपास से निकलते कि कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि सिल्लीगुड़ी तरफ ना उधर क्या कहते हैं बंगाल साइड थोड़ा पुलिस वाले लोग ज़्यादा परेशान करते हैं दिन में चलने से, देखते हैं क्या होता है। ऐसे भी दिन में हम लोग तो चलते नहीं है भाई, टायर वगैरह गर्म होता है ज़्यादा इसके वजह से, है ना। तो अभी चलते हैं भाई, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और मुँह कान धो के बढ़िया फ्रेश हो चुके हैं और चलते हैं यहाँ से आगे में कहीं पर रुकते हैं बढ़िया सा, फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह किया जाएगा। तो दोस्तों अभी निकल चुके हैं वहाँ से, ओवर ब्रिज के ऊपर में रुके हुए थे पुलिया के ऊपर में बढ़िया, तो वहाँ से अभी निकल चुके हैं और आगे में चल के नाश्ता अपना करते हैं। देख सकते हो लेके रखे हुए थे, छत्तीसगढ़ में लिए थे और बंगाल में खाएंगे नहीं तो बिहार में खाएंगे इसको, 60 रुपये का पड़ा था, 3 किलो है ये, जो कि आज नाश्ते के रूप में यही हम लोगों का चलेगा, ठीक है। ऐसे भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है तो फल फ्रूट ही खाना चाहिए, है ना, समय देख देख के भाई ये सब चीज़। तो चलते हैं आगे में रुकते हैं। तो दोस्तों अभी रुके हुए हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए, अभी ये देख सकते हो इसका कटिंग वोटिंग हो रहा है, जो कि ये देखो भाई ज़्यादा लाल भी नहीं है यार, उतना खास तो लाल है नहीं, क्या ही कर सकते हैं, खाओ अजीत भाई क्या दिक्कत है भाई, कैसा है मीठा है कि नहीं, ये खा के देख लेता हूँ पहले। है मीठा तो है, जबरदस्त मीठा है, तो 12 बज चुके हैं दोस्तों। सिल्लीगुड़ी यहाँ से बचा हुआ है मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास होगा, पता नहीं, मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बाकी खाना पीना अभी हम लोग आगे में जाके बनाएंगे और ये फोर लाइन वाले रास्ते में कंटिन्यू चल ही रहे, तो इधर सामान वगैरह मिलता है कुछ हरा भरा सब्जी तो ले लेते हैं, उसके बाद में खाना पीना आगे में बनाएंगे, क्योंकि सिल्लीगुड़ी में लगता है दोस्तों 9 एंट्री, 9 बजे के आसपास में खुलेगा, उसके बाद में वहाँ से निकलेंगे, फिर वहाँ जाके सीधा अपना श्री राम बॉर्डर में रुक जाएंगे, है ना। तो अभी आगे में चल के खाना पीना बना लेते हैं, यहाँ से ठाकुरगंज अभी बचा हुआ है 50 किलोमीटर बचा है ठाकुरगंज, है ना, बहादुरगंज पार करके ठाकुरगंज जा रहे हैं, तो ठाकुरगंज के आसपास में कहीं पे बढ़िया सा देख के रुकते हैं, नहाते धोते खाना पीना बनाते हैं। और इधर ना दोस्तों मक्के की खेती बहुत ज़्यादा होती है, देख रहे हो पूरा उधर ना मक्का का खेती हो रहा है, ये देख रहे हो पूरा ये मक्का का खेती हो रहा है इधर, लम्बा चौड़ा पूरा, इस साइड भी देखो ये साइड में पूरा मक्के की खेती है इधर, और इधर पूरा फोर लाइन रास्ता है, धीरे धीरे जाते रहो। तो हम लोग तो भाई तो कंटिन्यू चल रहे हैं, आगे में रुकते हैं बढ़िया कोई बढ़िया सा जगह देख के, और पेड़ झाड़ तो मिलेगा नहीं क्योंकि पेड़ झाड़ तो पूरा कट चुके हैं, तो छाया तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा नहीं। बाकी हमने ये रिपल लगा रखा है ब्लैक वाला, जो कि देख सकते हो, है ना, तो इससे क्या है भाई धूप जो है धूप कवर हो जाता है ना, धूप ज़्यादा आता नहीं है। तो दोस्तों अभी गए थे अजीत भाई, गए थे क्या कहते हैं सामान वामान लाने के लिए, बाकी पानी वानी भर लिए बढ़िया,
और रुके हुए हैं, देख सकते हो ओवरब्रिज के ऊपर में रोक के रखे हैं ओवरब्रिज से पहले पहले। तो यहाँ पर गाड़ी को खड़ा कर दिए और देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का खाना बन रहा है, जो कि चावल बन रहा है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हो टमाटर। तो टमाटर का चटनी बनेगा आज बढ़िया से, क्योंकि सब्जी वगैरह तो मिला नहीं अजीत भाई को, है ना अजीत भाई? सब्जी नहीं था क्या? क्या था? टमाटर, आलू, प्याज, मिर्ची। आलू लेके आया ना? आलू बस लेके आया, तो आलू आलू खाने में मजा नहीं आया, गर्मी भी ऐसे लग रहा है। तो टमाटर भी पूछ लिया, बरी नहीं था, बरी भी नहीं था, तो आलू आलू लेके आ गए। आलू आलू का सब्जी खाने में मजा नहीं आता, तो मैं बोला चटनी बना लेते हैं बढ़िया। तो चटनी बना रहे हैं और क्या कहते हैं चावल बना रहे हैं, बढ़िया है देख सकते हो। तो चावल हम लोगों को पकने वाला है, फिर उसके बाद में खा पी के दोस्तों यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे सीधा सीधा हम लोग अभी क्या नाम है नक्सलवारी पार करके रुकेंगे, फिर वहां से 9 बजे निकलेंगे। यहाँ से 1-2 घंटा लगेगा हम लोगों को नक्सलवारी पहुंचने में, खाना पीना खाने के बाद फिर वहां जाके आराम आराम करेंगे, फिर उसके बाद श्री रामपुर बॉर्डर में जाके रुक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो खाना पीना बना लेते फटाफट, चावल तो लगभग बन ही गया है, अभी चटनी बना लेते हैं। तो कढ़ाई तो हो चुकी है गरम, अब चला इसमें थोड़ा सा तेल, ये चला जीरा और ये 4 खड़ा मिर्च। तो मिर्ची तो अच्छी तरीके से लाल हो चुकी है, अभी इसमें प्याज लहसुन मिर्ची तीनों आइटम। कलछुल को अजीत भाई ने निकाला नहीं है, नीचे में ये कलछुल निकाल अजीत भाई। अच्छी तरीके से दोस्तों लाल हो चुका है, अब चला टमाटर। तो हमारा खाना पीना बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो अभी निकाल रहे हैं भाई चटनी, टमाटर की चटनी बनी है दोस्तों आज, खा लेते दोस्तों टमाटर चटनी और चावल, गरम गरम है भाई। मस्त बनी, मस्त। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि अब हो चुका है भाई मौसम ठंडा बढ़िया से, देख सकते हो सूर्य देवी अपनी स्थिति में डूबने वाले हैं, और बाकी ये व्यू चेक करो सामने का। तो यहाँ पर रोड के बगल में खड़ा करके रखे हुए थे, जैसे कि आप लोगों को बताया खाना पीना खा के दोस्तों यहीं पर लेट गए थे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और कंटिन्यू यहाँ से चलते हैं श्रीरामपुर बॉर्डर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 250 किलोमीटर और है, तो नाइट में पहुंच ही जाएंगे 12-1-2 बजे तक, उसके बाद में सुबह सुबह श्रीरामपुर बॉर्डर पार कर लेंगे, है ना? नहीं तो नाइट में ही पार कर सकते हैं, देखते हैं जैसा भी है। तभी दोस्तों निकलते हैं यहाँ से भाई। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सिलीगुड़ी से 10-15 किलोमीटर पहले हैं, क्योंकि 9 एंट्री खुलेगा 9-10 बजे, तो 10 बजे के आसपास यहां से निकल जाएंगे। बाकी यहीं पे रुके हुए थे, चाय का दुकान था, अभी चाय लेके आया है अजीत भाई 2, ऐसे भी थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है तो भाई चाय पी लेते हैं, बोलते हैं भाई चाय पीने से सर दर्द दूर होता है ना, तो पी लेते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। चाय बहुत ही टेस्टी है, बढ़िया लग रहा है इधर, चाय का चाय पत्ती होता है ना वो बढ़िया रहता है इधर का।
दोस्तों वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, चाय वगैरह पिए, उसके बाद में एक घंटा वहाँ पे आराम किए, उसके बाद में 9 एंट्री भी खुल गया, 8 बजे के आसपास रुके थे और 9:10 में वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। बाकी देख सकते हो अभी हम लोग सिलीगुड़ी का बाईपास, मतलब बाईपास बोलता हूँ, सिटी वाला है रोड में है, सीधा सीधा जाएंगे तो सिटी में घुस जाएंगे। ऐसे तो 9 एंट्री खुल गया है, लेकिन हम लोग फुलवारी चौक तरफ, मतलब फुलवारी साइड जाएंगे, तो उधर हम लोग मुड़ जाएंगे लेफ्ट साइड, उसके लेफ्ट साइड बोलता हूँ, राइट साइड हल्का, उसके बाद में सीधा सीधा निकल जाएंगे भाई हम लोग अपना क्या कहते हैं गुवाहाटी वाले रास्ते के लिए, है ना। तो अभी हम लोग सिटी पूरा पार कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो सिटी का कुछ ऐसा टाइप का व्यू है, बढ़िया सा लग रहा है। तो धीरे धीरे अभी हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, बाकी अभी तो ऑल नाइट चलेंगे तो सुबह सुबह मेरे ख्याल से हम लोग पहुँच सकते हैं, क्या नाम है इसका, श्रीरामपुर बॉर्डर, नहीं तो रात को ही पहुँच सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ से सिलीगुड़ी 8 किलोमीटर दिखा रहा है और क्या है, और फुलवारी 12 किलोमीटर दिखा रहा है, फुलवारी हम लोग भाई 12 किलोमीटर दिखाया, तो फुलवारी के लिए निकलते हैं। जाम तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल वाला लगा हुआ है, धीरे 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 गाड़ी हम लोगों की अभी बढ़ रही है, जो कि देख ही सकते हो, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी, तो बीच में मेरे ख्याल से चौराहा है जो चौक है वहाँ पर जाम लग जाता है, इसके वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया आ जाता है इधर। बाकी हम लोग तो अभी सिलीगुड़ी मार्केट साइड से, मतलब उधर सिटी एरिया से निकल चुके हैं, बाईपास वाला एरिया है मेरे ख्याल से ये, है ना। तो अभी इसको पार कर लेते हैं धीरे धीरे। तो ये दोस्तों वो चौक, इधर सीधा जाएंगे तो अपन पहुंच जाएंगे सिटी में, और ये वाला चौक हम लोग घूम के वही राइट साइड धीरे धीरे मुड़ जाते हैं। ये देखो अब सीधा सीधा यहाँ से चलते हैं और इधर से आए हम लोग। तो दोस्तों अभी टोल प्लाजा पार करके वही खड़े हम लोग सिलीगुड़ी वाला, और अपना जो ये पीछे वाला जो रास्ता देख रहे हो इधर आगे वाला, ये जाएगा सीधा अपना क्या कहते हैं गुवाहाटी श्रीरामपुर बॉर्डर, और गाड़ी वगैरह खड़ा कर रखे क्योंकि भाई क्या कहते हैं टायर वगैरह अभी चेक करना, टायर वगैरह चेक करके यहाँ से भाई हम लोग निकलेंगे, है ना। तो टायर वगैरह चेक अजीत भाई ने कर लिया बढ़िया से, तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं और सफर अपना तय करते हैं भाई। यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है श्रीरामपुर बॉर्डर, और सुबह सुबह एंट्री हो जाएगी गाड़ी, उसके बाद में हम लोग वही निकल जाएंगे अपना सफर के लिए। कल अगर हम लोगों का बरपेटा का माल है बरपेटा, तो वहाँ खाली हो जाता है तो अच्छा बात है कल के डेट में, देखते हैं क्या होता है कल की पता चलेगा, है ना। तो अभी यहाँ से दोस्तों निकलते हैं फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों अभी तो हम लोग निकल चुके हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं, यहाँ से अभी 150 किलोमीटर और बचा हुआ है हम लोगों का श्रीरामपुर बॉर्डर, तो वहाँ पर जाके ही आराम करेंगे क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पर एंट्री हो जाएगी ना, तो ऐसे में गाड़ी हम लोगों की एंटर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं अपना श्रीरामपुर बॉर्डर, और कल ब्लॉग एंड नहीं किया था तो अभी भाई ब्लॉग हम लोगों का जारी है, जो कि देख सकते हो गाड़ी को भी साइड करके रखे हुए हैं क्योंकि ग्रीस वगैरह मरवाते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। बाकी दोस्तों ये देख सकते हो सीधा सीधा भी जाएंगे तो ये अपना श्रीरामपुर बॉर्डर पड़ेगा। बाकी हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर, मतलब 10 किलोमीटर पीछे रुके हुए थे करीबन 5 बजे के आसपास में, 4:30 के आसपास में, फिर उसके बाद में पीछे में ही रुक गए थे, उसके बाद में अभी निकले थे सुबह सुबह, तो अभी फ़ोन वगैरह लगा दिए और ग्रीस वगैरह भी मरवा ले रहे हैं क्योंकि ग्रीस मरवाना भी ज़रूरी है ना, 100 रुपये ले रहा है भाई ग्रीस वाला, तो ग्रीस मरवा के फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो ग्रीस वगैरह मरवा चुके हैं दोस्तों गाड़ी में बढ़िया से, और निकल चुके हैं हम लोग, और अभी इंटर कर चुके हैं हम लोग आसाम में, तो ये आसाम का एरिया चालू हो चुका है, यहाँ से आसाम का बॉर्डर हम लोग पार कर चुके हैं दोस्तों। तो आगे में चल के ढाबा में रुकते हैं, नहाते धोते खाते पीते हैं, फिर उसके बाद आराम करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे आराम से, है ना। और इस ब्लॉग को ही दोस्तों एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।